जैसा कि आपको देख रहे हैं, देख ओ भाई मेरा YouTube खुला हुआ कोई नहीं गाइस, अच्छा अच्छा खाना मंगाना होता है। नहीं ये पूरी टीम आ चुकी है। हाय गाइस, ओ वाह, कॉपीराइट आ जाएगा। हमारे बोल गए थोड़े सर मिले हैं तो थोड़ी गलती हुई, ऐसे की ऐसे निकाल दिया एक बार। बस ये हेलो गाइस, ये देख सकते हैं ये हमारी मैम सी एम मैम। हेलो बोलो मैम, काम करने दो मैम। हेलो बोल लो मैम। हेलो मैम। और ये है हमारे सर हेमंत सर। सर हेलो बोल दो सर। हेलो। इनसे आप मिल चुके होगे, वो काम जा रहे थे वहाँ पे। कहाँ जा रहे थे? भिलाई जा रहे थे ना उस वाले ब्लॉग में। और इनके साथ वाला ब्लॉग आने वाला है गाइस, कुछ दिनों में आएगा क्योंकि वो थोड़ा अच्छा ब्लॉग है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है एडिट वगैरह करने में। इसके स्टैचर एडिट में गाइस, और जैसा कि आपको देख रहे हैं, देख ओ भाई मेरा YouTube खुला हुआ कोई नहीं गाइस, वो ऐसे ही बैकग्राउंड में खुला हुआ था। तो हमारी ऑडिट चल रही है यहाँ पे गाइस, और आप बने रहे हमारे साथ। आज का दिन हम आपको दिखाएंगे गाइस। बोलोगे आप, बताइए कुछ हमारे व्यूअर्स को क्या करना होता है हमें ऑडिट में? बोलोगे अच्छा अच्छा खाना मंगाना होता है? नहीं ये कुछ कुछ लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं ना कि ये तो बताया ही नहीं कि इसमें करना क्या होता है, बताओ क्या करना होता है मैडम? प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है हमारे। देखो मैं इसलिए नहीं डालता कि हमें डिटेल्स वगैरह डिस्क्लोज नहीं करनी होती। सो आप बने रहे हमारे साथ, आपको जो दिखाने वाला हो वो जरूर दिखाएंगे। अच्छा हमको सिखा दिया है, पूरी टीम आ चुकी है। हाय गाइस, ओ भाई का दिवाकर भैया कटवट करवा लिए हैं। और ये हमारे सीए सर है विजय सर, और ये हमारे दिवाकर भैया। चले गाइस, हमारा अब काम शुरू होने वाला है गाइस। 2000 years later. गाइस अब थोड़ी देर में हम जाएंगे लंच करने गाइस, क्योंकि टाइम हो गया हमारे लंच करने का। हम ऑडिट कर रहे हैं गाइस। गाइस पैराडॉक्स के फैन, पैराडॉक्स फैन गाइस स्पॉटेड। गाइस हमारा लंच रेडी है गाइस, वी आर रेडी फॉर लंच। और ये वेट कर रहे हैं, किसका वेट कर रहे हो मैडम? तुम्हारा। मैं तो यही हूँ। हमारा लंच हो चुका है गाइस, और एज यूजुअल लंच करने के बाद हमें नींद आ रही है गाइस। और ये भोलू भैया, भोलू भैया अब इसको काम याद आ रहा है। नहीं मैं पूछ रहा हूँ डाउट आपको, नहीं क्या डाउट पूछ रहे हैं। और हमारे भोलू भैया थोड़े सर मिले हैं गाइस, जैसा कि आपको पता है हमारे भोलू भैया थोड़े सर मिले हैं, तो थोड़ा देर बाद बाहर आएगा। दिखाओ दिखाओ। हाँ मेरा ये था कि सुबह अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो मेरे पापा ने मुझे तीन पेंसिल, तीन इरेजर, तीन सारे नए खरीद के दिए। तो बोला एक बस एक सेट ले जा, बाकी घर पर रख। ना मुझे दोस्तों दिखाना था कि मेरे पास तीन नए नए चीज है, तो मैं तीनों ले गया हूँ और तीनों चोरी हो गई। और मेरे पास आगे सुनो, अभी आगे सुनो, मेरे पास लिख 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 कुछ भी नहीं था। अब मैंने किसी देखा किसी का चोरी कर लिया, मेरे पेन टूटा आधा पेन, वो चोरी करके मैं कर लिया घर ले गया है। मेरे तीन बड़े बड़े पेंसिल चोरी हो गए, मैं छोटा सा लेके आया। ओके अगर ये था ना, देखो मैं पढ़ाई में इतना बुरा लगता, तो मैं पापा के सामने जाके दिखा के, मैं इतना आता है कि मैं सामने होमवर्क करता था रोज पापा के सामने, आदत हो गई थी दिखाने की। तो उस दिन था मैं अब लिख पेंसिल लिख रहा था, उन्होंने कुछ नहीं बोला, पेंसिल देखते हैं थोड़ी गलती हुई ऐसे कैसे निकाल दिया एक बार। बस यही तो करते ना, तो दूसरी बार इरेजर चोरी हो गया था, फिर गलती हो गई, फिर देखा जो मेरे पीठ पे बुक्का मारा था 7 रुपये पर। ये बात मैं सामने से रुक गई, अभी तक नहीं हुआ, एक मुक्का परा सुनाई नहीं दिया, डांट की बात कर रहे हो आप। सांस रुक जाती है। और एक बार दूसरे बार
मैं 3S तो 23 में बचपन बचपन था हमारा कहता था बस से एक रास्ता नॉर्मल होता था लंबा रहा बस अच्छी रोड थी और होता था एक रास्ता होता था थोड़ी शॉर्टकट तो महक के वहां से आना होता था तो एक दिन हमारी बस खराब हो गई थी तो मैं उस दोस्त के पीछे पीछे लग के उस रास्ते से आ गया जो बेल्ट होता ना बेल्ट वो ऐसा घुमाता वो पसंद आने के उसने कुत्ते थे लेकिन मेरे बेल्ट उसमें गिर गई घुमाते हुए उसमें गिर गई नाली में बोला भाई पकड़ लेते थे नहाता है वैसे वो नहीं जाऊंगा चला गया घर से छोड़ के और फिर मैं भी चला गया क्या होता है हमारे यहाँ फ्राइडे चेकिंग होती थी हमारी हाइजीन वगैरह सब चेक होती थी स्कूल में तो एक बार मुझे पहले पकड़ा गया वहाँ घर में बताया कि मैं गुम हो गई ओ भाई नहीं।